सौ मित्रों स्वजनों विचार क्रांति अभियान अंतर्गत आजना वार्ता वैभव विभाग में आप सौनु स्वागत छे। आजनी वार्ता तमारा तमारी तकलीफ ना विचारों ने वेवड़ावी दो। मित्रों आ दुनिया नी अंदर कोई पण मानस छे एने तकलीफ होय छे, मुश्केली होय छे, क्यारेक क्यारेक समस्याओ पण होय छे, दुखी पण होय छे, पण त्यारे शुं करवू ए वात एने ख्याल नथी आवतो। एटले एना अनुसंधानमां मारे एक वार्ता केवी छे। कोई एक युवान एक संत पासे जाय छे अने संत ने कहे छे के मारा जीवननी अंदर दुख अने दुख ज छे, क्यांय अनुकूलता नथी, कोई जग्याए गम्मे तेटलो प्रयत्न करूं तो प्रयत्न में पाछो पड़ू, नौकरी शोधवा जाओ तो मने कोई नौकरी में राखे नहीं, अन्य कोई जग्याए वातचीत करवा जाओ तो मारू कोई सांभळे नहीं, मारा जीवन नी अंदर कोई रस रह्यो नथी, शुं करवू जोईए। त्यारे संत एम कहे छे कि भाई तारो प्रश्न बहु मोटो छे अने आ प्रश्न ने समझावा माटे तू काल सवारे मारी पासे आवजे। पेलो युवान जाय छे, एमणे एम कीधुं संते के मारी मारा घरमां एटले के आश्रमनी अंदर एक मीठानी बोटल पड़ी छे, तो मीठानी बोटल लेतो आव अने एक खाली ग्लास ल्याव पाणी भरेलो लावे छे। पेला युवान ने एम कहे छे के मां मुठ्ठी भरी अने मीठू ग्लास मां नाखी दे, मीठू ओगड़ी गयो। एटले पेला संते एम कीधु के बेटा आ पाणी तू पी जा, एक कोगड़ो पाणी पीधो, एक घूटड़ो पाणी पीधो, पण एक केटलो बधो खारो हतो, कारण के मीठू एटलू बधुं नाख्युं हतुं के ए पी न शक्यो। त्यारे एम कहे छे के हूँ आ नहीं पी सकूं। त्यारे संत एम कहे छे कई वांधो नहीं, चल मूकी दे, तू काल सवारे फरी वार पाछो आवजे। ए बीजे दिवसे पाछा जाय छे अने पछी एम कहे छे के तारा अपना रूमनी अंदर थी मीठानी बोटल लई ले अने बाजूमां ज नदी हती, ए नदीना कांठा उपर जाय छे अने एम कहे छे के तारू आ मीठू छे ने ए नदीमां नाखी दे। नाखी दीधुं। थोड़ी वार पछी एम कहे कि तू नदी नो पानी पी ले। नदी नो प्यालो भर्यो, एमांथी पानी पीधु, बहु सारी रीते पी लीधु, बीजो ग्लास पी ले के बीजो पी लीधो। त्यारे ए संते एम कीधु के बेटा तने आ पानी खारू न लाग्यु? त्यारे एम कीधु ना, एकदम मीठू हतु, बहु सारू हतु। तो के मारे तने एज वात केवी छे के पेलू ते प्यालानी अंदर जे मीठू राखी मूक्यु एटले एनो अर्थ ए थयो के तारा दुख ने तारी तकलीफ ने तारी मूंझवण ने तारी समस्या ए तू प्याला मां भरीने ज राखस, एटले के तारा मगजनी अंदर तारा विचारों मां तू वागोड़े राखस, अने ई वागोड़वाने कारणे तने जे मीठा वाळू पाणी तू न पी सको एम तने आ तारा बा विचारो छे, विचारो तने जीववा देता नथी, तारा ए विचार ने वेवड़ावी दे नदी मां, जेम नदी में मीठू वेवड़ाई दीधु अने खारू तने न लाग्यु एम तारा विचारों ने पण नदी ना फॉर्म में फेरवी नाख। तो के केवी रीते करवू? तो के एक वात ई छे के तने कोई एक खराब विचार आव्यो तो तरत ज पांच सारा विचार कर एना ज, एटले के पहला विचार ने धक्को लागशे एटले वेवड़ावशे, फरी बीजो कोई खराब विचार आव्यो, कोई समस्या आवी एटले तरत ज एना विरुद्धना पांच विचार पाछा तू कर। दाखला तरीके तने एम के तने कोई नौकरी में राखतू नथी, तो ए वे ने वेवड़ावा माटे एक ज रस्तो छे के पांच विचार एवा कर के तने नौकरी में कोई राखे, हूँ एवी मेहनत करीश के मने तरत ज नौकरी में राखशे, मने थोड़ाक ज वखत में नौकरी मळी जशे, नौकरी करवाथी हूँ पोते शांत थई जईश, नौकरी करवाथी मारा प्रश्नो सोल्व थई जशे। आवा पांच विचारना धक्को पेलो नथी मळती नौकरी ए धक्काने मार एटले के वेवड़ावा मांडे। फरी तने एम थाय के मने कोई ध्यानमां लेतुं नथी, तो तरत जेम विचार कर के हूँ एने उपयोगी थईश
હું એને મદદરૂપ થઈશ, હું એની પાસેથી કંઈક બહુ સારી બાબતો આપીશ અને એમ કરીશ, એટલે પહેલા વિચારને એ ત્રણ વિચાર ધક્કો મારશે અને આ રીતે તારા નબળા વિચારને રોજ રોજ ધક્કો મારે એવા સારા સારા વિચારો એની પાછળ દોડાવ, એની પાછળ ધક્કો મરાવ. અને એનો અર્થ થયો કે આવા વિચારોને વેવડાવવા દેવા જોઈએ. જો નબળા વિચારને આપણે વેવડાવી શકીએ તો ને તો જ સારા વિચાર ટકે, પણ નબળા વિચારને ખાબોચિયામાં જો ભરી રાખીએ, ગ્લાસમાં ભરી રાખીએ મીઠું, તો પાણી ખારું જ થાય એમાં કોઈ શંકા જ નથી. મારે તમામ વ્યક્તિઓ સ્વજનોને કહેવું છે કે તમે આ બાબતમાં આ જે વાર્તા છે એમાંથી કંઈ બોધ લઈ શકો છો. આપણને માત્ર એક જ બોધ આપે છે કે તમારા એક નબળા વિચારને ધક્કો મારવા માટે ચાર સારા વિચારની જરૂર છે. ફરી કોઈ નબળો વિચાર આવ્યો એને ધક્કો જ મારવો છે, એને ત્યાં રાખવો જ નથી. રાખી મૂકશો તો ખારું પાણી જ મળશે, પણ ધક્કો મારીને વેવડાવી દો, વેવડાવી દો. રોજ સાંજે સૂતી વખતે તમારા આ વિચારને વેવડાવી દો. નદીની અંદર જે મીઠું વહી ગયું એમ તમારા નબળા વિચાર પણ ચાલ્યા જશે અને જીવનમાં તમે એકદમ તંદુરસ્ત વિચાર સાથે જીવન જીવવાની શરૂઆત કરશો અને જીવનની ઊંચાઈ ઉપર પહોંચશો. સૌને ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આગળ વધો.